Mama making. 1 point to Mama making. Then Mama got to their side. Okay, guys, now let's see. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी। तो आज हम बना रहे हैं लाहौरी चरगा, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। तो ये मैंने ऐसे चिकन एक लेके उसको अच्छे से धो के ऐसे कट लगा ली हैं। तो अभी मेरी बेटी भी कुछ बात करना चाहती है। ओके, आई विल स्टार्ट। अभी मैंने ये तीन मिर्चें ले ली, उनको छोटे पीस में काट लिया है। तो अभी मैं लहसुन अदरक के साथ इसको ग्राइंड कर लूंगी। और ये गरम मसाला है पीसा हुआ सारा, एक चम्मच में इसमें मोटी मिर्चें डाल लूंगी, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लूंगी, मेरे पास ऑलरेडी पीसा हुआ है, मैं वही इसमें डाल के दोबारा से पीस लूंगी। अभी मैंने वो जो पीसी हैं मिर्चें और गार्लिक जिंजर का पेस्ट, अदरक लहसुन का मैंने मिर्चों के साथ पीसा, उसी को मैंने गरम मसाले में डाल दिया। अब हम डाल देंगे मैंने आधा चम्मच मिर्चें डाली हैं, उसी में हम डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी डाल लेंगे। ये थोड़ा सा मैं रेड कलर डाल रही हूँ, फूड कलर, जो बिरयानी में या जर्दे में जब जिस किसी भी खाने में डलता है, ये वो रेड कलर है, क्योंकि मेरे पास कश्मीरी मिर्चें नहीं है तो मैंने सोचा रेड कलर डाल दे। साथ में मैंने ये एक दरमियाने साइज का लेमन था उसको मैंने काट लिया, अब दो हिस्सों में इसको करके मैं निचोड़ लूँगी। आधे लेमन को मैंने उसके ऊपर चिकन के निचोड़ दिया, आधा हम मसाले में निचोड़ लेंगे। अभी ये मसाले को मैं मिक्स कर लूँगी, मिक्स मैंने कर लिया, अब ये सारा हम इसको लगा देंगे अच्छे से, जो मैंने इसमें कट्स लगाए हैं उसके अंदर तक लगाएं, जैसे हमने वो आगे की साइड पर लगाया वैसे ही हम बैक साइड पर लगा लेंगे। तो पूरे चिकन को हमने अच्छी तरह मसाला लगा दिया है, तो अब इसको हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे, फिर हम इसको बनाएंगे। और मैंने स्किन उतार दी है चिकन की, कुछ लोगों को पसंद होती है, अगर वो रखना चाहते हैं तो वो रख लें। तो ऐसे कट्स लगा के इनके अंदर अच्छे से फिल करें मसाले को, ताकि जायका अंदर तक जाए। तो अब 2 घंटे के लिए हम रख देंगे। तो चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया, तो मैंने ऐसे फॉइल पेपर में रख लिया, तो इसके ऐसे मैंने दोनों लेग पीस को भी बांध दिया। तो अभी हम इसको स्टीम करेंगे, तो ऐसे हम इसको कवर कर लेंगे। तो ये देच के भी मैंने पानी रख के स्टीम के लिए रख दिया था, अब इसके अंदर मैं चिकन रख दूंगी। तो चिकन मैंने उसके अंदर रख दिया, अब इसको हम ढक देंगे। तो ऐसे मैंने देचके को ढक दिया, 15 से 20 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पे स्टीम कर लेंगे। ये मैंने देखे हल्की आंच रखी हुई है, तो ये फिर अंदर से भी गल जाएगा, बाद में इसको हम फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। अभी 20 मिनट हो गए हैं, अभी हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे। 20 से 25 मिनट हो गए हैं, मैंने 15 मिनट पे देखा था तो मुझे लग रहा था कि और 10 मिनट देने चाहिए, तो अभी इसको 25 मिनट हो गए हैं। तो इधर हमने कढ़ाई भी रख दी, अब इसमें ऑयल डाल लेंगे फ्राई करने के लिए। तो ये चिकन तो बहुत अच्छे से जो है ना गल गया, अंदर से स्टीम हो गया, और ये कलर इसका देखिए कितना प्यारा लग रहा। अभी हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, अभी हम इसमें। तो अभी हमने ये फ्राई होने के लिए रख दी है,
पाँच मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे, 5 मिनट दूसरी साइड से कर लेंगे। थोड़ा सा हल्का रेड कलर करेंगे इसका। अभी मैंने साइड चेंज कर दी है, दूसरी साइड कर दी है, अब उसको भी 5 मिनट के लिए पका लेंगे। चिकन तो अच्छे से फ्राई हो गया, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो अभी ये हमारा लाहौरी चरगा तैयार हो गया है। उसका कलर देखे कितना ज़बरदस्त है। और साथ में मैंने ये वाली चटनी जो है वो मैंने कच्चे आम की और पुदीना धनिया और मिर्चें लहसुन की 4 तुरियां और साथ में ग्रीन मिर्चें नमक डाल के बनाई हैं। और ये जो दही और पुदीने का हमारा रायता बनता है वो है, और साथ थोड़ा सा सैलड है। तो मज़ेदार सा लाहौरी चरगा तैयार हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने डीप फ्राई नहीं किया, अगर आप चाहो तो आप डीप फ्राई कर सकते हो। मुझे डीप फ्राई नहीं करना था इसलिए मैंने नहीं किया। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई किएगा, बहुत मज़े की बनेगी। अभी हम आपको चिकन को तोड़ के दिखाते हैं, अंदर तक गल जाता है ऐसे देखें, और कितना सॉफ्ट है। जब आपके पास कोई ओवन या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है स्टीम करने के लिए तो आप ऐसे भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।